हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम जानेंगे डायगोनल स्केल के बारे में और इसका यूज के बारे में जानेंगे, हर एक चीज़ के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगा। तो ये डायगोनल स्केल है जो लोहा, कचकारा या पित्तल का भी हो सकता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये पित्तल का है। ये तीन भागों में बांटा रहता है, देखिए, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, ये तीन भागों में बांटा रहता है। और ये जो है सो एक भाग यहाँ से यहाँ तक 2 इंच होता है, यानी एक भाग 2 इंच का होता है। एक भाग कितना इंच का? दो इंच का। तो 2 इंच 2 इंच जो 2 इंच, यानी पूरे ये 6 इंच का होता है। इसका लंबाई कितना होता है? 6 इंच। और इसका जो अगर हम देखेंगे चौड़ाई, तो 2 इंच होता है। चौड़ाई कितना होता है? 2 इंच होता है। और ये जो है सो 16 मतलब 1 मील बराबर, क्या 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पे इसको बनाया गया है। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे, ठीक है। तो इसका चौड़ाई के बारे में बात कर लिए, ये सब ठीक है। ये जो है ना, ये इसमें जो है एक खंड है तो 10 भागों में बांटा होता है, यानी एक खंड है जो 10 भागों में बांटा गया है। देखिए इसमें 10, देखिए इसमें देखिएगा 10 खंड में बांटा गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 भागों में बांटा गया। तो ये भी 10 भागों में, ये भी 10 भागों में, ये भी 10 भागों में बांटा गया है, 10 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक है। इससे जो नापी जो होता है 30 जरीब का होता है। कितना जरीब का? इसका नापी 30 जरीब का होता है, ठीक है। देखिए वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारा चीज़ इसमें पता लगेगा, ठीक है। ये इसका जो यूज है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब औजार होता है, ठीक है। ये सब औजार बहुत व्यक्ति जानते भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस औजार के बारे में इस वीडियो में जान रहे हैं। तो देखिए आपको बता दिए, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें जो है प्रत्येक भाग, इसमें जो है प्रत्येक एक भाग जो है कितना, यानी प्रत्येक एक भाग, ये जो देख रहे हैं सभी एक भाग जो है ये 10 जरीब का होता है। कितना जरीब? 10 जरीब का। ये जो प्रत्येक एक भाग जो होता है, 10 भाग जो है ना, ये जो है प्रत्येक एक भाग जो है 10 जरीब का होता है। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो ये 3 भाग हैं। देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 10 जरीब 10 जरीब 10 जरीब, यानी ये 30 जरीब हो गया। कितना? 30 जरीब। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये 3 गुनिया के बराबर है। आप लोग गुनिया नहीं जानते होंगे, तो गुनिया भी आपको दिखला देते हैं। तो गुनिया क्या होता है, ठीक है, बहुत व्यक्ति को गुनिया पता नहीं रहता है। डाई इसके बारे में, तो इसके बारे में तो आप वीडियो बना चुके हैं, ये जो देख रहे हैं इसका कंघी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको कंघी बोलते हैं। आप थोड़ा इसको भी देख लीजिए, देखिए इसको कंघी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में वीडियो बना दिए हैं। और ये जो गुनिया जो है ना, ये गुनिया है, ठीक है, ये गुनिया है। ये 3 गुनिया बराबर ये होता है, ठीक है, 3 गुनिया बराबर ये होता है, ठीक है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना तक, ठीक है। देखिए 0 से 1 को ओर चलता है ना, तो एक खंड की जो क्षेत्रफल होता है 10 डिसमिल के बराबर होता है। यानी देखिए 0 है, ठीक है, 0 है ना, 0 से 1 की ओर जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे एक गैप करके दिया, इसमें जो दिया है ना गैप करके दिया, वो भी बताएंगे। तो 0 से 1 की ओर जाएंगे ना, 10 डिसमिल के बराबर होता है। क्या होता है इसका जो, ये जो देख रहे हैं ना क्षेत्रफल, एक प्रकार से 10 डिसमिल के बराबर होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, आपको नापी जो होता है ना नक्शा पे, तो इससे पता चलेगा, ठीक है। इसमें इसके साथ साथ एक और चीज़ प्रयोग होता है, ठीक है, वो भी आप प्रकाल होता है, वो भी आप देख लीजिए, प्रकाल भी यूज इसके साथ होता है। क्या किया जाता है, जैसे ये है, ठीक है, देखिए ये भी, ये जो है ये पित्तल का है। तो ये जो है ना क्या किया जाता है, नक्शा पे इसको लिया जाता है, एक यहाँ ऐसे करके लिया जाता है, एक नक्शा में नापा जाता है, और फिर यहाँ पे बैठाया जाता है कि किसके बराबर होता है, वहाँ से क्या होता है नापा जाता है। देखिए ये 2 को बराबर है, तुरंत वो नापा जाएगा, इस प्रकार उसको नापी किया जाता है। तो ये इसका और इसका प्रयोग जो है ना इसके साथ किया जाता है, ठीक है। तो हम आगे इसके बारे में भी थोड़ा आपको बताएंगे, अभी इसके बारे में जानिए, ठीक है, चलो इसी पर बात करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, देखें तो ये जो है ना 10 डिसमिल के बराबर होता है, ठीक, यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्षेत्रफल का बात करें, क्या क्षेत्रफल का, चलिए इसमें हम आपको कुछ चीज़ बताते हैं। देखिए ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, यानी ये लाइन जो है ना
एक जरीब का यानी 100 कड़ी का होता है, ये भी 100 कड़ी का होता है, 100 यानी एक चेन का, एक चेन में होता है 100 जरीब, कितना होता है 100 यानी 100 कड़ी होता है, सॉरी एक जरीब में जो है 100 कड़ी होता है। देखिए 100 कड़ी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 10 डिसमिल के बराबर होता है, क्या 10 डिसमिल के बराबर होता है यानी 1000 कड़ी, ठीक है 1000 कड़ी नहीं मतलब 10 डिसमिल के बराबर होता है। तो आपको जो है धीरे धीरे आपको हर चीज़ इसमें बारीकी से पता चलेगा। तो देखिए 10 डिसमिल ऐसी करके खाना मत, ठीक है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे एक का गैप दिया गया है, क्या एक का गैप दिया, देखिए यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ठीक है 5 6 7 8 9 10 यानी एक के गैप दिया। इधर भी देखिएगा तो 0 1 2 यानी एक नहीं है, 2 है, 5 नहीं है, 4 है, सॉरी 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है और 7 नहीं, 8 है, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 10 है। तो इस प्रकार होता है, ठीक है। और इसमें नापी कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ये देखिए माइन होता है, ये जो देख रहे हैं ना खांच, जिसको खांच बोलिए, खन्ना बोले जो बोलिए, तो देखिए ये होता है यहाँ से यहाँ तक 100 और ये यहाँ से यहाँ तक 110 120 130 140 150 160 170 180 190 तो जैसे जैसे ये 100 होगा और 10 में सभी में क्या होता है 10 10 का वृद्धि होता है, यानी हर खांच में 10 10 करके वृद्धि होता है। तो एक खन्ना ये तो 100 हो गया, इसमें ये जो आ रहा है ना 10 का कोवर, ये 10 का कोवर, 10 का कोवर ऐसी करके होता है। तो ये हो गया 100, ये क्या हो गया 100 हो गया, ये जो हो गया एक दूसरा हो गया 110, ये हो गया 130 140 150 160 170 180 190 100, ठीक है सॉरी 200, देखिए ये हो गया 110, फिर से देखिए 110 120 130 ठीक है 110 120 130 140 150 160 170 180 190 तो 90 तक का ही वृद्धि होता है, यानी ये 90, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसमें देखिए आपको पहला समझना है कि इसको गिनती किए तो 100 और इसको गिनती 130, तो यहाँ से जैसे देखिए यहाँ से एक खन्ना दो खाना, दो खाना के लेंगे 200, दो खाना लेंगे 200, ये 220 ये 230 ये 240 ये 250 ये 260 ये 270 280 यानी दो खाना लेंगे तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक खाना में 10 10 करके बढ़ा ना, ऐसे दो खाना ना तो दो खाना मतलब 200, तीन खाना मतलब 300, चार खाना मतलब ऐसी, यानी जितना खाना है वो हो जाएगा क्या 100, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तो 600 यहाँ से देखिए मान के चलिए ऐसे इसको कर लेते हैं, ठीक है अभी बताते हैं आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ ले लेते हैं कितना ये, ठीक है ये ले लिए, देखिए ये ले लिए, ठीक है देखिए ये लाइन पे आ जाइए। तो इसमें आप देखिएगा 1 2 3 ठीक है 4 5 6 7 8 तो ये 800 ये आगे जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 810, ये उसके बाद ये तीसरा में जाएगा तो 820 830 840 850 860 870 880 890 ऐसी करके, यानी जितना खन्ना है 100 बोलेंगे और इस यहाँ से 10 10 का वृद्धि होते जाता है, ठीक है ये समझ गए होंगे, ठीक है। और इसमें अगर मान के चलिए आपको कुछ अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा भी लगता है या कुछ आपका सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हर एक टूल्स का यानी औजार को हम ऐसी करके आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और आपको बता देना चाह रहे हैं अगर कोई भी व्यक्ति 45 दिन 6 मंथ्स या 1 ईयर का अगर कोर्स करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करेंगे वो वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं। तो बुकिंग लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से बुकिंग करेंगे वो वेबसाइट पे ले जाएंगे मेरे वेबसाइट पे, और वहाँ पे आप फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिएगा तो आपका बुकिंग हो जाएगा। वो आपको जो जब बैच स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा या आपको कॉन्टेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मान के चलिए अगर बुक भी आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा करीब 6 बुक है, ठीक है 6 बुक लिखा गया है, अगर आप बुक चाहते हैं तो बुक भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है।
तो अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अच्छा लगा या ना लगा या अच्छा लगा कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।